उत्तर पूर्वी जिला में सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दमखम भर रही हैं। उन्हीं में से बीएसपी के राजबीर सिंह प्रत्याशी किसी पार्टी प्रत्याशी से कम नहीं है, जिन्होंने बहन मायावती की महारैली में सिद्ध कर दिया कि बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी भी किसी पार्टी से कम नहीं है। दिल्ली में वोटिंग 12 मई को है, अब देखना यह है कि 23 तारीख को किसकी किस्मत जागेगी। देखिए, आज जो रैली हुई है आपने भी देखा कि पांचों जो लोकसभा के लोग यहाँ आए हुए थे, पार्क के अंदर, पार्क के बाहर, सड़क पे लोगों का आपने हुजूम देखा, लोगों ने बड़े प्यार से सुना। बहन जी की जो अपील है, ठीक है, उसका बहुत असर जाएगा, गठबंधन का बहुत असर जाएगा और निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी पूरी दिल्ली में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी इस बार। सर, मैं शुरू से पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि मैं सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ, सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के कहने से करता हूँ, जो वो कहेंगी वो करूँगा, जहाँ भेजेंगी वहाँ जाऊँगा। मेरे जीवन का एक ही मकसद रहता है कि जो वो कहेंगी, जो बहुजन समाज पार्टी के लिए ठीक है वो करना है। उन्होंने मेरे को यहाँ पे भेजा और उन्होंने मेरे को कहा कि ये सीट हमने जीतनी है। मैं आपसे 50 बार पहले भी वादा कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, आज 10 तारीख को कर रहा हूँ, 12 तारीख को वोट है। निश्चित तौर से उत्तर पूर्वी दिल्ली से मैं बहन जी को, बहुजन समाज पार्टी को, हमारे पूरे समाज के, दिल्ली के लोगों को एक इतिहास रच के दिखाएंगे कि हम दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी इतनी ताकत से जीती है कि ना पहले कोई जीता ना आगे जीतेगा। सभी लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप लोगों का जितना प्यार और आशीर्वाद हम लोगों को अभी तक मिलता आया है, इतने दिनों से आप हमारे साथ पूरी डेडिकेशन से लगे हुए हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, धूप में भी चल रहे हैं, प्यास में भी चल रहे हैं, भूखे भी चल रहे हैं, सब लोग ऐसे डटे रहिएगा। सबसे पहले 12 तारीख को जाके, जैसा बहन जी ने कहा, पहले अपने मत का प्रयोग करें, अपने जानने वालों का करवाएं, अपने साथियों का करवाएं, उसके बाद आके काम करें। 12 तारीख के बाद में जब हो जाएगा, मत आपका पड़ जाएगा, उसके बाद में आप आके रेस्ट करें, आपका घर का जो कोई छोटा मोटा काम है वो करें। देखिए, जिस प्रकार यहाँ बहन कुमारी मायावती जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने हमें जो पांचों उम्मीदवार हैं दिल्ली के, इन सबको अपना आशीर्वाद दिया है, इससे साबित होता है। और जिस प्रकार से यहाँ पे जो तमाम पब्लिक पांचों लोकसभा की इकट्ठी हुई है, उससे भी साबित हो गया कि बसपा की यहाँ पे लहर है। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार बहन मायावती जी ने गठबंधन की सरकार में यहाँ उत्तर प्रदेश में बनने वाली है हमारी, तो कोई भी ताकत उनको प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। और चूंकि ये जो इलाके हैं दिल्ली के, ये खासकर उत्तर प्रदेश सटे हुए हैं, तो उसका बहुत सारा असर यहाँ पर पड़ रहा है। तो ये बात साबित करती है कि आने वाले दिनों में उत्तरी पूर्वी दिल्ली से, दिल्ली से और जो तमाम हमारी पांचों सीटें हैं, ये बहुत ज्यादा बहुमत से यहाँ जीत कर आएंगी। और जो दूसरे जो कैंडिडेट उनके जवान जब्त होने की पूरी आशंका, पूरी जवान जब्त होगी उन लोगों की। आज बहन कुमारी मायावती दिल्ली के इसमें दिलशाद गार्डन के रामलीला मैदान में आ जाई हैं आपके सामने। पूरे दिल्ली के कोने कोने से लोग इधर चल कर आए और बहन जी ने जो उनको दिशा निर्देश दिया है उस पर सब लोग पालन करेंगे। उन्होंने अपने पाँचों कैंडिडेट को जिताने की अपील की है और आज इससे पूरी दिल्ली में जोश है, खरोश है। हर कार्यकर्ता यहाँ से, आज बहन जी ने भी कहा भी सफर लेके जाएगा कि एक एक वोट चुनाव चिन्ह हाथी पर डालने काम करेंगे। आपने देखा होगा आज माननीय बहन जी को सुनने के लिए अपार भीड़, लाखों के हजारों की संख्या में लोग इधर पहुँचे हैं और कितना जोश खरोश था। निश्चित तौर से माननीय बहन जी ने जो आशीर्वाद दिया है हमारे प्रत्याशियों को, हमें जो आशीर्वाद दी गई है, तो यहाँ पाँचों सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाने जा रही हैं। तो निश्चित तौर से हमारा एक कैंडिडेट बड़ी मजबूती के साथ पांचों सीट पर अपना पूरी तरह से जोश से लड़ा हुआ है और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीयता बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो यहाँ सांसद बनने की तैयारी हो चुकी है। हमने आप लोगों का ध्यान चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए वो जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र या देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ इसी कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित हो, किंतु यहाँ हाथ ध्यान देने की बात ही है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में वह अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की मदद से बाहर मिला। हालांकि आप लोगों को
केंद्र में, मैं देश के अधिकांश राज्यों में भी और आपके दिल्ली में भी ज्यादातर सत्ता कांग्रेस पार्टी के हाथों में है, लेकिन केंद्र में, खासकर केंद्र में कांग्रेस पार्टी के लंबे अरसे के शासनकाल में पूरे देश में ना तो गरीब लोगों की गरीबी दूर हो पाई, ना ही बेरोजगार लोगों की लोगों को बेरोजगार लोगों से ना रोजगार मिले, और जो अन्य मेहनत का स्रोत है तो उनकी भी जरूरतें पूरी नहीं हुई। तो समाज के हर वर्ग के लोग, विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोग हमें सभी परेशान नजर आए, और इतना ही नहीं बल्कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के तहत खास तौर से समाज के जो सबसे कमजोर तबके के लोग हैं, दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को जो कानूनी अधिकार दिए, आरक्षण व अन्य जो जरूरी सुविधाएं दी, तो उसका भी पूरा लाभ कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में नहीं मिल पाया। सब्सक्राइब करें।